हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस। इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे कि बी सेल क्या होती हैं, टी सेल्स क्या होती हैं, बी सेल लिम्फोसाइट्स क्या हैं, टी सेल लिम्फोसाइट्स क्या हैं। सो टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस द ब्रीफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द बी सेल एज वेल एज टी सेल। तो बी सेल्स क्या होती हैं और टी सेल्स क्या होती हैं। व्हेन यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द बी सेल एंड टी सेल, देन यू नोइंग द बेटर इन्फॉर्मेशन अबाउट द बी सेल लिम्फोसाइट एज वेल एज टी सेल लिम्फोसाइट्स। तो बी सेल लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं, टी सेल लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं, इनके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। बी सेल एंड टी सेल, इनको कहते हैं बी सेल लिम्फोसाइट्स एंड टी सेल लिम्फोसाइट्स। तो बी सेल क्या है, यहाँ डायग्राम बना हुआ है, ये बी सेल है, ये टी सेल है। आप देखिए, ध्यान दीजिए, बी सेल के बारे में, बी सेल्स ओरिजिनेट इन बोन मैरो। वी आर गोइंग टू मेक ए कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन द बी सेल एंड टी सेल। इस कंपैरिजन के द्वारा आप समझेंगे कि बी सेल क्या होती है और टी सेल क्या होती है। कभी कभी शॉर्ट नोट आता है या बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इन दोनों के बारे में, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बी सेल क्या है, इनको कहते हैं बी सेल लिम्फोसाइट्स, एक का नाम है बी सेल लिम्फोसाइट्स, एक का नाम है टी सेल लिम्फोसाइट्स, जिनको हम बी सेल या टी सेल कहते हैं। अब दोनों को पॉइंट वाइज हम एक्सप्लेन करते हैं। बी सेल क्या है, बी सेल ओरिजिनेट इन बोन मैरो। बी सेल कहाँ ओरिजिनेट होती है, बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। देखिए दोनों को कंपैरिजन करते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। बी सेल ओरिजिनेट इन बोन मैरो, बी सेल की उत्पत्ति कहाँ पर होती है, बोन मैरो में होती है, अस्थि मज्जा में होती है। इधर आइए, टी सेल आल्सो ओरिजिनेट इन बोन मैरो, टी सेल जो होती है वह भी बोन मैरो में ओरिजिनेट होती है। व्हिच इज द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ ऑल लिम्फोसाइट, व्हिच इज माने जो कि, प्राइमरी माने प्राथमिक, सोर्सेस माने स्रोत, ऑल माने सभी, लिम्फोसाइट्स का मतलब होता है लिम्फो माने लिम्फ, साइट माने सेल, ऐसी सेल जो लिम्फ के अंदर पाई जाए तो लिम्फोसाइट्स है। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिए, बी सेल ओरिजिनेट कहाँ होती है, बोन मैरो में। बी सेल ओरिजिनेट इन बोन मैरो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टी सेल आल्सो ओरिजिनेट इन बोन मैरो, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोनों के बारे में समझिए, बी सेल कहाँ ओरिजिनेट होती है, बोन मैरो में। बी सेल ओरिजिनेट इन बोन मैरो, टी सेल आल्सो ओरिजिनेट इन बोन मैरो, टी सेल भी कहाँ ओरिजिनेट होती है, बोन मैरो में। व्हिच इज द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ ऑल लिम्फोसाइट, बोन मैरो जो होता है वो प्राइमरी सोर्सेस होता है, प्राथमिक स्रोत होता है सभी प्रकार के लिम्फोसाइट्स के, चाहे वो बी सेल हो चाहे वो टी सेल हो। सो द बोन मैरो इज द प्राइमरी सोर्सेस फॉर ऑल काइंड ऑफ लिम्फोसाइट्स, आइदर दे हैव टू बी बिलोंगिंग आइदर द बी सेल और दे हैव टू बी टी सेल। सो वी हैव टू बी कीपिंग इन माइंड दैट बोन मैरो इज द प्राइमरी सोर्सेस फॉर ऑल काइंड ऑफ लिम्फोसाइट्स, आर यू कैन सी इन द बोन मैरो बोथ बी सेल एंड टी सेल ओरिजिनेट। दिस इज द फर्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बोन मैरो के ही अंदर बी सेल भी ओरिजिनेट होती है और टी सेल भी होती है, ठीक है। नंबर टू, बी सेल मैच्योर इन बोन मैरो। देखिए बी सेल जो है, ध्यान दीजिए, बी सेल जो है वो बोन मैरो के अंदर ओरिजिनेट भी होती है, बी सेल जो है बोन मैरो के अंदर ओरिजिनेट भी होती है और बी सेल जो है मैच्योर भी बोन मैरो के अंदर होती है। दोनों पॉइंट है, ओरिजिन भी बोन मैरो में है और मैच्योर भी बोन मैरो में होते हैं। जबकि ध्यान दीजिएगा, टी सेल बोन मैरो में मैच्योर नहीं होती है, टी सेल माइग्रेट आउट,
माइग्रेट मतलब होता है गमन कर जाना, आउट माने बाहर, एंड मैच्योर माने परिपक्व होती है इन स्पेशल ऑर्गन, विशिष्ट ऑर्गन में लाइक द थाइमस। इस तरह से जो टी सेल होती है वो ओरिजिनेट तो बोन मैरो में होती है, ध्यान दीजिएगा, टी सेल बोन मैरो में ओरिजिनेट होती है लेकिन माइग्रेट कर जाती है और मैच्योर माने परिपक्व होती है किसी विशिष्ट ऑर्गन में जिसका नाम है थाइमस। So we have to be keeping in mind that the V cell that is originate in the bone marrow, but they have to be migrate out and they have to be mature into the special organ, and that special organ is known as thymus. That is also a very important. यहाँ पर mature कहाँ पर हो रही है? Thymus में। अगला point, next point क्या है? Once they mature in bone marrow, जैसे ही कोई बी सेल जो होती है वो बोन मैरो में मैच्योर होती है, लीव द बोन मैरो, जैसे ही कोई बी सेल बोन मैरो में मैच्योर होती है तब क्या करती है? जब कोई बी सेल बोन मैरो में मैच्योर हो जाती है, लीव माने त्याग कर देती है, किसको? बोन मैरो माने अस्थिमज्जा को, एंड ट्रेवल माने यात्रा करती है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन लाइक लिम्फ नोड, टॉन्सिल एंड स्प्लीन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही बी सेल बोन मैरो में मैच्योर होती है, ओरिजिन भी बोन मैरो में है, परिपक्व भी बोन मैरो में हो रहे हैं, और जैसे ही बी सेल बोन मैरो में मैच्योर होती है वह निकल जाती है और चली जाती है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है? लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड आप जानते हैं, तब जगह जगह जो है लिम्फ बन जाती है बॉडी में, टॉन्सिल आप जानते ही हैं माउथ के अंदर, देखिए स्प्लीन है, तो जब इस सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जाएगी, जैसे लिम्फ है, नोड, टॉन्सिल और स्प्लीन है, वहां पर जाने पर इन दीज ऑर्गन, जब वहां पर पहुंचेगी बी सेल, इन दीज ऑर्गन वहां पर पहुंचने के बाद क्या होगा? बी सेल जो जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी और प्रोड्यूस करेगी एंटीबॉडी। So we have to be keeping in mind that after the maturation in the bone marrow, the B cell leave the bone marrow and travel to the secondary lymphoid organ, that is the lymph node, tonsil and spleen, and after reaching the lymph node, tonsil and spleen, or you can say in these organs, these B cell can be activated and produced to the antibody. So these cell then pass to the blood, फिर वो ब्लड में चली जाती है, ब्लड सिस्टम में, एंड बैक अगेन टू द लिम्फ, और पुनः लिम्फ में वापस आ जाती है। इधर आते हैं, द टी सेल, यहां तक हो गया था, टी सेल मैच्योर कहां होती है? स्पेशल ऑर्गन थाइमस में। वंस द टी सेल मैच्योर, जैसे ही टी सेल मैच्योर होती है, इट लीव्स द ऑर्गन, यह ऑर्गन को त्याग कर देती है, लाइक थाइमस, जैसे कि कौन सा ऑर्गन है? थाइमस है, and travel to the secondary lymphoid organ, और चली जाती है कहाँ पर? secondary lymphoid organ में, जिसका नाम है lymph node, tonsil and spleen। तो यहाँ पर टी सेल के बारे में फिर से रिव्यू करता हूँ, आप लोग keeping in mind, ध्यान दीजिएगा, टी सेल ओरिजिनेट कहाँ होती है? bone marrow में, जो कि primary sources है all lymphocyte का। टी सेल migrate कर जाती है bone marrow से, और mature कहाँ होती है? special organ जिसका नाम क्या है? thymus। जब थाइमस में मैच्योर हो जाती है तो थाइमस को भी लीव कर देती है, थाइमस को भी छोड़ देती है और चली जाती है, ट्रेवल कर जाती है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, जिसका नाम है लिम्फ नोड, टॉन्सिल एंड स्प्लीन, और फिर लिम्फ नोड, टॉन्सिल और स्प्लीन से माइग्रेट कर जाती है, देखिए यहाँ एरो बना हुआ है, वहां से माइग्रेट कर जाती है, या दूसरे शब्दों में कहें लिम्फ नोड, टॉन्सिल और स्प्लीन में जाने के बाद दीज ऑर्गन दे कैन बी एक्टिवेटेड। लिम्फ नोड, टॉन्सिल और स्प्लीन में जो है टी सेल भी क्या करती है? एक्टिवेट हो जाती है और प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडी। दिस सेल देन पास टू द ब्लड सिस्टम एंड बैक अगेन टू द लिम्फ। उसी तरह जो टी सेल भी होती है, लिम्फ नोड, टॉन्सिल और स्प्लीन इनमें जाकर के एक्टिवेट हो जाएगी और प्रोड्यूस करेगी एंटीबॉडीज, इंटर कर जाएगी ब्लड सिस्टम में और उसके बाद फिर बैक अगेन हो जाएगी लिम्फ में। सो दिस इज ऑल अबाउट द बी सेल एंड टी सेल। I hope that you must be understand about the B cell and T cell. एक मिनट में रिव्यू करता हूँ। B cell and T cell, इनको B cell lymphocyte कहते हैं, इनको T cell lymphocyte कहते हैं। B cell कहाँ में originate होती है? Bone marrow में। B cell mature कहाँ होती है? Bone marrow में।
मैच्योर होने के बाद बी सेल जो है बोन मैरो को त्याग कर देती है और चली जाती है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, लिम्फ नोड, टॉन्सिल और स्प्लीन में, वहां पर एक्टिव हो जाती है और प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज। फिर उसके बाद उससे चली जाती है ब्लड सिस्टम में, पुनः बैक हो जाती है लिम्फ में। टी सेल क्या है, ओरिजिनेट होती है बोन मैरो में जो कि प्राइमरी सोर्सेस है ऑल लिम्फोसाइट का, लेकिन टी सेल माइग्रेट कर जाती है और मैच्योर होती है स्पेशल ऑर्गन में जिसका नाम है थाइमस। उसके बाद टी सेल जो है इस स्पेशल ऑर्गन को भी लीव करती है थाइमस को और ट्रेवल करके चली जाती है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जिसका नाम है लिम्फ नोड, टॉन्सिल एंड स्प्लीन। यहाँ पर एक्टिव हो जाएगी और प्रोड्यूस करेगी एंटी बॉडीज और उसके बाद एंटर कर जाएगी ब्लड सिस्टम में और पुनः लौट जाएगी लिम्फ में। सो दिस इज ऑल अबाउट द बी सेल एंड टी सेल। आई होप दैट ऑल ऑफ यू मस्ट बी अंडरस्टैंड अबाउट द बी सेल एंड टी सेल। आप लोग अपने इस चैनल पर की शुभकामनाएं देते रहेगा, अपनी बेस्ट विशेष देते रहेगा। थैंक्स टू यू, लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, शेयर करेगा, कमेंट्स लिखिएगा। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग द वीडियो।